नमस्कार, मेरा नाम धीरज सिंह है। तो सबसे पहले मैं टीआरडी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ परफॉर्म करने का मौका दिया। तो सबसे पहले माँ से शुरुआत करूँगा कि लाख दर्द में हो, लाख तकलीफ में हो, कुछ नहीं कहती। लाख दर्द में हो, लाख तकलीफ में हो, कुछ नहीं कहती, सब छुपा लेती है। हाँ माँ है, बात करते करते फ़ोन पे बस चुपके से नीर बहा लेती है। जाहिर नहीं करती कुछ अल्फाजों से, जाहिर नहीं करती कुछ अल्फाजों से, बस हर बात में हूँ मैं जवाब देती है। हाँ माँ है, बात करते करते फ़ोन पर बस चुपके से नीर बहा लेती है। पूछ लो जब कोई परेशानी है क्या माँ, पूछ लो जब कोई परेशानी है क्या माँ, बातों ही बातों में बात काट देती है। हाँ माँ है, कुछ नहीं कहती, सब छुपा लेती है। कि अचानक क्या हुआ कि आजकल लाइफ में कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, तो एक फ्रेंड को कॉल आता है और वो कहता है कि भाई आजकल क्या काम कर रहे हो। तो मैंने उस पर लिखा है कि मैं आजकल काम नहीं जिंदगी का मुकाम लिख रहा हूँ, मैं आजकल काम नहीं जिंदगी का मुकाम लिख रहा हूँ, कब से सूनी पड़ी है जिंदगी, नया अंजाम लिख रहा हूँ। बहुत हो गया रोना धोना आखिर कब तक अब बस, बहुत हो गया रोना धोना आखिर कब तक अब बस, यही सोचकर अपने सपनों का नया उड़ान लिख रहा हूँ, मैं आजकल काम नहीं जिंदगी का मुकाम लिख रहा हूँ। सोचता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सोचता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आज वक्त बुरा है तो कल सटीक आएगा, आखिर सभी को तो ऐसे दिन देखने ही होते हैं, कल जो रोया था उसको अगले दिन हंसने ही होते हैं, बस इसी चिंता में आगे का संवाद लिख रहा हूँ, मैं आजकल काम नहीं जिंदगी का मुकाम लिख रहा हूँ। एक दौर था कि जब एहसास नहीं था कि मुश्किलें क्या होती हैं, परेशानियाँ क्या होती हैं, तब शायद किसी और के कंधे पर यह भार हुआ करता था, पर आज जब लगता है कि जीना कठिन हो रहा है, तो आने वाले दुखों से बचने का चमत्कार लिख रहा हूँ, मैं आजकल काम नहीं जिंदगी का मुकाम लिख रहा हूँ। तो अगला, अभी मैंने कुछ दिन पहले टीआरडी पे ही एक वीडियो देखी थी जिसमें किसी भाई ने कहा था कि बेवफाओं को सजा क्यों नहीं होती, बेवफाओं को भी सजा होनी चाहिए। तो उस पर मैंने लिखा कि अगर बेवफाओं को सजा होने लगी तो क्या होगा, कि इश्क के बाजार में एक दुकान हमारी भी थी, इश्क के बाजार में एक दुकान हमारी भी थी, लूट लिया किसी बेवफा ने बड़ी बेरहमी से और सजा उसकी अभी जारी ही थी, तभी अचानक किसी ने पैसा और पावर दोनों भिड़ा दिया, तभी अचानक किसी ने पैसा और पावर दोनों भिड़ा दिया, छीन कर उस बेवफा को हमसे सजा से रिहा करा लिया। इस तरह बेवफाएं भी सजा से रिहा होने लगी, इस तरह बेवफाएं भी सजा से रिहा होने लगी, फिर से ठगने नए मासूमों को नई नई साजिशें रचने लगी। बस यही है एक छोटी सी कहानी बेवफा की सजा से रिहा होने तक की। अब मत पूछना कि बेवफाओं को क्यों सजा नहीं होती। कि एक अगला शेर लिखा है कि अब तो कह दो अपनी यादों को सताना छोड़ दे, अब तो कह दो अपनी यादों को सताना छोड़ दे, साल दो साल होने को है आना छोड़ दे, देखो ना तुम्हारी यादों ने क्या हाल कर दिया, देखो ना तुम्हारी यादों ने क्या हाल कर दिया, जान में जान बाकी नहीं जिस्म से निकाल फेंक दिया, गर फुर्सत मिले तो एक बार ये जिंदा लाश आकर देख जाओ, गर फुर्सत मिले तो ये जिंदा लाश आकर एक बार देख जाओ, सब ने कह दिया पागल आशिक आवारा, आओ एक दो नाम तुम भी दे जाओ। कि कभी कभी अक्सर होता है कि हम उनके नए यार से कहीं अचानक यूं ही मिल जाते हैं, तो उस पर कुछ लिखा है कि सुन मैंने देखा है तेरे नए यार को, मैंने देखा है तेरे नए यार को, वो भी किसी का सताया लगता है, मैंने देखा है तेरे नए यार को, वो भी किसी का सताया लगता है, प्यार तो कहीं दिखा नहीं उसकी आंखों में तेरे लिए, प्यार तो कहीं दिखा नहीं उसकी आंखों में तेरे लिए, बिल्कुल तुझसे पराया लगता है, और हाँ मत बता देना उसको अपने सारे राज मेरी तरह, मत बता देना उसको अपने सारे राज मेरी तरह, वफा करने वाला नहीं लगता, इसमें बुरी तरह रुलाया लगता है। थैंक यू वेरी मच।